सुलेमान, आपको बहुत सब्र और तहम्मुल से इस मुश्किल का हल निकालना होगा। और आप जानते हैं शिप्रा को, अपने फैसले पर राय तो कबूल कर लेती है, लेकिन आप अपना फैसला मुसल्लत नहीं कर सकते उस पर। करूं फिर मैं अपनी बेटी को उसकी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला करने की इजाजत दे दूं, या जाकर वहां अपने हाथों से उस फजल बख्श का गला घोंट दूं, क्या करूं मैं, बोलो। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूं कि आप शिप्रा को वक्त दीजिए, उस पर एतमाद कीजिए। कौन सा एतमाद सफ़ेद? हाँ, वो जो तुम्हारी गफलत और लापरवाही की नजर हो गया। सफिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी मुझसे बात नहीं कर रही। तो बाबा, हो सकता है ना कि इस बार शायद आप कुछ गलत कर रहे हैं, शायद आपको अपना फैसला दोबारा लेने की जरूरत है। शाबाश, सुकैना, 4 दिन हुए नहीं तुम्हारी शादी को और तुम मुझे सबक सिखा रही हो। तो तुम्हें घर जाना चाहिए, अपने देर हो गई काफी। हाँ, ठीक है, मैं चलती हूँ। मुझे बस इतना पता है कि फजल भाई ने इस घर की खुशियों के लिए बहुत कुछ किया। आप सब शायद भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूल सकती। अल्लाह हाफिज़।